हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, ये खबर आ रही है सीधा राजस्थान गौरव यात्रा से, जहां बरसात के बीच सीएम को सुनने उमड़ा जनसैलाब। आगामी चुनाव जीत के लिए राजस्थान गौरव यात्रा रथ पर सवार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उदयपुर संभाग में जनता से मिल रहे रिस्पॉन्स से बेहद खुश हैं। यात्रा में मौजूद बीजेपी नेता आम सभा और जनता के स्वागत सत्कार से अभिभूत हैं। उदयपुर संभाग के अंतिम चरण में चल रही राजस्थान गौरव यात्रा गुरुवार को छत्तीसगढ़, प्रतापगढ़ और छोटी सादरी से निकली, जहां सुबह से बरसात के बीच हजारों लोग मुख्यमंत्री को सुनने के लिए काफी देर तक डटे रहे। बीजेपी ने चित्तौड़गढ़ में 1,00,000 की भीड़ का दावा किया, जबकि प्रशासन ने 60-70,000 की भीड़ आना बताया है। राजस्थान गौरव यात्रा के छठे दिन सीएम ने छोटी सादरी और प्रतापगढ़ में आम सभा को संबोधित किया। उसके बाद देर शाम यात्रा निम्बाहेड़ी होते हुए चित्तौड़गढ़ पहुंची। सीएम के पहुंचने से पहले चित्तौड़गढ़ में जोरदार बरसात हो रही थी। इस बीच यहां मौजूद हजारों की भीड़ देख सीएम और गुलाब चंद कटारिया खुद हैरान रह गए। सीएम ने यहां ऐतिहासिक भीड़ देख लोगों का अभिनंदन किया। आम सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने बीजेपी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। सीएम ने दावा किया है कि बीजेपी सरकार में आदिवासी क्षेत्र में छात्रों के लिए 100 से अधिक छात्रावास बने हैं। इसके अलावा 30 लाख किसानों का कर्ज माफ करने का भी जिक्र किया है। याद रहे कि 11 अगस्त को सीएम की उदयपुर संभाग में गौरव यात्रा समाप्त होगी, उसके बाद भरतपुर संभाग में राजस्थान गौरव यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस पर तंज कसते हुए सीएम ने राहुल गांधी, गहलोत और पायलट का नाम लेते हुए कहा कि बीजेपी हर काम भगवान का नाम लेकर शुरू करती है, ये बीजेपी की परिपाटी है। पर कांग्रेस नेता भी अब वोट के लिए मंदिरों में जाने लगे हैं। राजस्थान गौरव यात्रा में सीएम के साथ ही बने बीजेपी नेता और गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस ने 7 साल तक सिर्फ जनता को लूटने का काम किया है, एकमात्र बीजेपी सरकार है जो जनता का विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता काम तोल कर वोट दे, जनता के हाथ नहीं है कि वे अच्छा शासन चाहती है या बुरा शासन। अपने संबोधन में कटारिया ने केंद्र और राज्य की महत्वपूर्ण योजनाओं का नाम गिनाकर जनता से तालियां बजवाई। गौरव यात्रा से जुड़ी बाकी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। देखो जागरूक, बनो जागरूक।